सेल्फ को बिल्ड करने की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लर्निंग को। आज है आपका 21वां दिन आदतों के महत्व पर। हम सब जानते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आदतों में सुधार लाना होगा। आदतें जादुई शक्तियों की तरह होती है। अच्छी आदतें आपके जीवन को अधिक सुंदर बनाती है। यह आपके आत्मसम्मान और आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाने में मदद करती है। यदि आपके पास अच्छी आदतें हैं तो आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और साथ ही साथ अपने काम को 100% मन लगा के करते हैं। मूल रूप से जो करना बेहद मुश्किल था, अब वह कुछ ऐसा है जो आप बड़े पैमाने में अपने आप कर लेते हैं। थोड़े से विचार और इच्छा शक्ति के साथ जब कोई चीज आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो रुकावट लगभग शून्य हो जाता है और चुनौतीपूर्ण हिस्सा एक आदत बन रहा होता है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि किसी आदत को बनने में 18 से 254 दिन का समय लगता है, जिसमें से 66 दिन एवरेज टाइम होता है, 21 दिन नहीं, जैसा कि आपने कॉमन नॉलेज में सुना होगा। अपने लक्ष्य पर काम करते समय अपने आप को याद दिलाएं कि यह आपका पहला महीना है जो सबसे कठिन होगा। एक बार जब प्रॉपर हैबिट शुरू हो जाएगी तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म में केवल आदतें बनती है। लाइफ स्टाइल और पहचान बनाने के लिए उसके बाद स्थायी परिवर्तन के साथ स्थायी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कि लाइफ लॉन्ग रूटीन के लिए सोचना महत्वपूर्ण है। अपने गोल को एनालाइज करें, आकलन करें कि क्या आपका प्लान हैबिट को बिल्ड करने में सेल्फ डिसिप्लिन का उपयोग करती है या फिर आप अस्थायी रूप से इन परमानेंट चेंज को बनाए रखने के साधन के रूप में सेल्फ कंट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। हमें आशा है कि यह लर्निंग आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेर सारी लर्निंग को जानने के लिए और उन लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें अनलॉक इट।